Welcome back to my channel and welcome to another video. Now today's video is gonna be a huge shopping haul, and these are all the items that I've been collecting, you know, here and there from the past, I think past 2 months, that whenever we have been going out, I've been shopping, you know, kabhi ek cheez, kabhi do cheez, and wo sari aaj ikatthe hoke, I'm gonna be sharing it all with you in this video. So without any further ado, let's get started. दे देती हूँ. मैं जा रही हूँ इंडिया अभी फाइनली आफ्टर 3 years, यू नो, इन 2 weeks टाइम. द डे आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, आज से 2 हफ्ते रह गए सिर्फ मेरी इंडिया की यू नो ट्रिप के लिए. तो मुझे क्योंकि पहले से पता था कि मैं इंडिया जाने वाली हूँ और वहाँ पे सर्दियाँ आने वाली हैं, मतलब सर्दियाँ होंगी जिस टाइम मैं पहुँचूंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे यू नो कभी अगर मैं जाती थी और मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो मैं उस हिसाब से इंडिया की ट्रिप को माइंड में रखते हुए ये सारी शॉपिंग कर रही थी. तो आज आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ये इंडिया की ट्रिप को माइंड में रखते हुए मैंने खरीदी है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 months आई गेस. एंड अभी थोड़ी बहुत मेरी शॉपिंग बाकी रहती है जो कि आज हम करने जाएंगे आफ्टर आई एम डन फिल्मिंग द वीडियो. वो भी मैं आपको आगे कहीं किसी ना किसी व्लॉग में दिखा दूंगी जब मैं अपना यू नो पूरा पैक कर रही होंगी सामान वगैरह. बट या बैक स्टोरी यही थी आज के सारे सामान के पीछे. आई एम प्रीटी श्योर आप सबने नोटिस कर लिया होगा ये. तो मैं एक बता दूँ, अभी मैं इसकी पूरी डिटेल स्टोरी नहीं बता रही, बट आई एंडेड अप फ्रैक्चरिंग माई यू नो हैंड, एंड इसलिए आई हैव दिस बैंडेज. सो प्लीज़ एक्सक्यूज द होल थिंग वाइल आई ट्राई एंड शो यू लाइक द glimpses of what all I got. So just ignoring that, moving on to the video. आज मेरे पास बहुत सारा सामान है यहाँ पे रखा हुआ. एक एक करके चीज़ें उठाते हैं, मैं बॉक्स दिखाती जाती हूँ. पहले तो सबसे पहले इस चीज़ से शुरू करते हैं. ये मैंने मंगवाया था एडिडास से, एंड आई एंडेड अप गेटिंग दिस यू नो टी शर्ट फॉर माई सेल्फ. ये मैं ऑलरेडी इसको बहुत पहन चुकी हूँ इसलिए ये धुली हुई है, इसलिए ऐसे क्रम्बल्ड सी आपको यहाँ पे नजर आ रही है. बट दिस इज़ द बेसिक यू नो एडिडास लोगो टी शर्ट. आई लव द कलर. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ब्राइट सा पीचिश शेड है, एंड इसके ऊपर ये इनकी 3 stripes वाली जैसी ये होती हैं. सो दिस इज द वन दैट आई गॉट, एंड आई एम अ मीडियम इन दिस टी शर्ट. Then moving on to another parcel. So as you can tell, मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं, कुछ चीज़ें मैंने स्टोर में जाके खरीदी हैं. तो जो स्टोर में आई है वो तो बैग्स मिले हैं, और जो ऑनलाइन हुई है वो बॉक्सेस में आई है. सो दिस इज़ यू नो अ पार्सल फ्रॉम टॉमी हिल्फिगर. ओके, ऑफ लेटली आई हैव बीन ऑब्सेसिंग विद टॉमी हिल्फिगर अ लॉट, और इस वीडियो में भी आपको मोस्टली जो मैं चीज़ें दिखाऊंगी वो टॉमी के ही स्टोर से होंगी. सो आई एंडेड अप गेटिंग अ टी शर्ट फॉर माई सेल्फ, बट आई थिंक ये मैं इंडिया लेके नहीं जाऊँगी बिकॉज वहाँ पर इस टाइम पर सर्दियाँ होने वाली हैं, एंड ये यू नो गर्मियों में पहनने के लिए मैंने ये टी शर्ट मंगवाई थी. सो दिस इज द वन दैट आई गॉट, अ बेसिक वाइट टी शर्ट विथ हैड्स देयर लोगो इन द फ्रंट. सो या दैट्स द टी शर्ट, एंड मैंने इसको ट्राई करके नहीं देखा है, बट आई एंडेड अप गेटिंग अ साइज स्मॉल इन दिस. इसके अलावा मैंने पहली बार इनके शूज़ मंगवाए हैं. सो आई एंडेड अप गेटिंग माई सेल्फ अ वाइट शूज. जो अभी मैं इससे पहले शूज़ वाइट यूज़ कर रही थी वो एडिडास से थे, और वो काफ़ी लंबे चल रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी थी. बट जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करी थी इनकी वेबसाइट से, आई एंडेड अप गेटिंग यू नो लाइकिंग दीज वंस. ये विदाउट लेस वाले इनके वाइट कैनवस हैं. लुक एट दैट, इट इज़ सो नाइस. एंड द मेन थिंग इज़ टाडा. सो यहाँ पे इनका ये ब्रांडिंग हुआ हुआ है, एंड ये जो डिटेलिंग है ना ब्लू रेड एंड वाइट इनके ब्रांड के लोगों से मिलती जुलती, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी. ये लेसलेस शूज़ हैं, सो दे आर गोना बी लाइक दिस. एंड इसके बैक पे भी यहाँ पे एक छोटा सा टॉमी का लोगो इनग्रेव्ड है, एंड दीज आर द शूज़ दैट आई एंडेड अप गेटिंग. इसमें मैंने अपना साइज मंगवाया है, आई डोंट नो इफ आई कैन नेवर टेल यू द साइज, बट आई थिंक आई वाज अ 36 or a 37 in you know in this. And yeah, I love wearing white shoes. सब चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही, मतलब पता चल रहा है कि काफ़ी वेल मेड हैं. सो दीज आर द शूज़ का राइट, और ये मैं इंडिया लेके जाने वाली हूँ.
बिकॉज ऑब्वियसली वाइट शूज की जरूरत पड़ेगी. नाउ मूविंग ऑन टू द इन स्टोर शॉपिंग. सो एक बार जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ से अपने लिए एक ये स्वेटर लिया था, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू. लुक एट दिस, हाउ प्रिटी. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वेल मेड है, वॉर्म रखेगा मुझे. बहुत बेसिक भी है, कुछ ऐसे खास नहीं है, बट यू नो ऑन द डेज व्हेन आई एम जस्ट ट्रैवलिंग आउट एंड अबाउट शॉपिंग एंड स्टफ, सो उस पर मुझे लगता है कि मैं ये पहन सकती हूँ और ये अच्छा लगेगा. देन आई एंडेड अप गेटिंग, ओके, मैंने ना ऑनेस्टली ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ें मैंने अलग अलग बारी में शॉप की थी, और मैं शॉपिंग करके अंदर भूल जाती थी कि मैंने क्या लिया है, इसलिए बहुत मिलती जुलती आपको लगेगी. बट ये है एक ड्रेस, स्वेटर ड्रेस बेसिकली, अगेन फ्रॉम टॉमी हिल्फिगर, एंड इसके ऊपर ये जिप्सी है. मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ओपन करके थोड़ा पहन सकती हूँ, अदरवाइज अगर मैंने इसको जिप लगा ली तो ये पूरी ऐसे हाई नेक से बन जाएगी. एंड इसके कॉलर पे ये डिटेलिंग है, काफ़ी अच्छा इसका वॉर्म मटेरियल है. इसके अंदर ना ये फ्लीस जैसा कपड़ा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉर्म रखने वाला है. एंड इसकी फिटिंग वगैरह भी अच्छी लग रही थी जब मैंने इसको पहन के देखा था, मतलब स्मार्ट लुक दे रही थी ये. एंड ये मैंने मंगवाई है डबल XS, यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल में, एंड ये मेरे को फिट हो रही थी, अभी भी थोड़ी सी लूज थी. एंड ये जो स्वेटर था, दिस इज इन द साइज स्मॉल. देन आई एंडेड अप गेटिंग अनदर बैग फ्रॉम टॉमी हिल्फिगर. एक पफर जैकेट, अगेन जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने इंडिया की ट्रिप को ध्यान में रखते हुए विंटर के हिसाब से शॉपिंग की थी. एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी ऑलिव ग्रीन पफर जैकेट. लुक एट दिस, इसकी इतनी अच्छी फिटिंग आई है और इसकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी है, आई कांट टेल यू. मेरे को इसकी इवन फिटिंग भी, जब मैंने इसको जीन्स के ऊपर नॉर्मल पहन के देखा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग आ रही थी. एंड दिस वॉज सो नाइस एंड सो अडोरेबल. एंड इसके ना यहाँ पे कैप पे जिपर है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी कैप हटा के भी पहन सकती हूँ, अदरवाइज मैं अगर इसको कैप के साथ रखूँगी कुछ हुडी टाइप की लुक दे रही है. और ये पतली सी है, ये फोल्ड होके ना एकदम ऐसे पतला सा मटीरियल हो जाता है, मतलब इसको स्टोर करने में भी बहुत ईजी है, बट ये बहुत ज़्यादा वॉर्म रखने वाली है. सो दैट इज़ द प्रूफ कि इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी. आई ऑल्सो एंडेड अप गेटिंग माई क्लिनिक्स मॉइस्चर सर्ज लिप बाम. सो आई एम श्योर ये आपने मेरे पहले भी कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा, ये मैं यूज़ करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन एन एवरी डे बेसिस, एंड दिस वन हैज़ बीन माई फेवरेट फ्रॉम क्लिनिक. मैंने और भी उनके ट्राई किए हैं, यू नो, लिप बाम्स एंड स्टफ, बट दिस वन हैज़ टू बी माई फेवरेट. इट इज़ देयर मॉइस्चर सर्ज लिप हाइड्रो प्लम ट्रीटमेंट. Then moving on to this bag, it is a brand called Portsman, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में. इनसे मैंने actually एक और बैग होना चाहिए था, I don't know where, oh there it is, wait. Okay, anyways, मैं उस पर बाद में आऊँगी. Portsman से मैंने ये एक बहुत ही pretty lavender color की top ली है अपने लिए. इसका mock neck है ऊपर से, and ये जब मैंने पहनी थी ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. इसकी sleeves भी, as you can tell, ये ऐसे एकदम ऐसे short sleeves, cap sleeves type जो आती हैं वैसी सी है. और जब मैंने इसको स्टोर में पहन के देखा था, इस मतलब दिस वॉज लुकिंग सो नाइस, एंड इसका कलर इतना ज़्यादा सुंदर है, मुझे ये लेना ही लेना था. सो आई एंडेड अप गेटिंग दिस फ्रॉम Portsman. देन आई एंडेड अप गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी बेसिक प्लेन वाइट टी शर्ट फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड सप्री. लुक एट दिस, एंड इसका ना मटीरियल जो है ना, वो ऐसे थोड़ा आई डोंट नो, ये कॉटन नहीं है, ये वो वाला जो जिम वेयर टाइप के कपड़े आते हैं ना, कुछ ऐसे फ्लोई से, सिल्की से, आई डोंट नो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, ये कुछ उसी टाइप का है. एंड इसका भी मॉक नेक सा ही लुक आ रहा है बेसिकली. एंड ये भी पहनने के बाद बहुत ही अच्छी वेल फिटेड एक फ्लोई सी टी शर्ट आ रही थी. एंड ऑब्वियसली वाइट टी शर्ट्स जितनी भी हों वो कम पड़ती है मेरे वार्डरोब में, तो एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है. सो आई एंडेड अप गेटिंग दैट. एंड ये रहा वो बैग जिसकी मैं बात कर रही थी, दिस इज़ फ्रॉम Calvin Klein. मेरे को इसलिए याद आया बिकॉज मैंने बहुत ही मिलता जुलता कलर ले लिया एक और लैवेंडर. सो दिस इज़ देयर
Calvin Klein t-shirt, mock neck है एंड इसके नेक के ऊपर सीके प्रिंट हुआ हुआ है और इसकी जो स्लीव्स है ना वो थोड़ी सी लंबी है, मतलब 3/4 भी नहीं है और शॉर्ट स्लीव्स भी नहीं है, थोड़ी सी लंबी है, जैसे वो आजकल ब्लाउज की भी थोड़ी लंबी सी स्लीव्स चल रही है। मेरा ओवरऑल इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था जब मैंने इसको पहन के देखा था उनके स्टोर पे, एंड ऑब्वियसली पर्पल, लैवेंडर, लाइलैक, कोई भी ऐसे कलर की शेड्स मुझे दे दो, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। सो ये वाला थोड़ा सा डार्क है जो पोर्टमैन से लिया, ये वाला हल्का सा लाइट है, एंड या आई एंडेड अप गेटिंग दिस वन एज वेल। देन क्योंकि हम कपड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं एक और इसमें टॉप इंक्लूड कर देती हूँ, उसके बाद हम इस मेन बड़े बॉक्स पे जाएंगे। सो दिस इज अ टॉप दैट माई फ्रेंड नितिका गेव मी फॉर दिवाली। सो This is a very pretty H&M top. So as you can see, ये sea green color की है and इसके ऊपर ना frills बने हैं and this is the sleeves. इसके अंदर inner पहनना पड़ेगा मुझे, but yeah, I thought I will show you because ये भी मेरे पास अभी एक नई top रखी है, तो I thought इसी haul में दिखा देते हैं ताकि बाद में किसी vlog में आप ये ना पूछो मेरे से कि ये कहाँ से ली। Okay, finally moving on to the big elephant in the room, this big box that I have. So this is my first ever Michael Kors bag. So I will show you. I am super duper excited for this one. I have been stalking Michael Kors ki website for a very long time and mujhe ye bag bahut zyada pasand aaya. एक्चुअली मेरे को दो बैग पसंद आ रहे थे और मैं उनमें से कंफ्यूज हो रही थी, एंड देन आई आस्क्ड माय मॉम एंड माय गर्लफ्रेंड गुनिका दैट व्हिच वन शुड आई चूज एंड आल्सो तिशा, एंड सो तीनों ने यू नो वोट किया कि ये वाला बैग मुझे लेना चाहिए, तो इसलिए हियर इट इज। लेट मी शो यू, दिस इज सो नाइस एंड सो कूल, ओह माय गॉड, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इंडिया विद मी। आर यू रेडी? Look at this gorgeous bag, you guys. So ये है, मैं इसको पास से दिखाती हूँ पहले, ये है bag. Look at this. Such a cool detailing. And इसके ये भी मैं हटा दूंगी तो आपको नजर आएगा कुछ इस यही सेम चीज की ऊपर स्ट्रैप जा रही है एंड दिस इज अ नाइस डिसेंट साइज बैग जो कि आई थिंक यू नो इट्स गोना लुक वेरी नाइस, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा अंदर स्पेस है तो बहुत सारा सामान भी स्टोर कर लेगी। इसके साथ एक बेल्ट भी आई है, बट आई थिंक आई एम गोना कैरी इट ओनली यू नो लाइक दिस विद दिस स्ट्रैप, एंड आई वुडंट लाइक टू नेसेसरीली यूज द बेल्ट दैट हैज कम अलोंग विद इट, एंड या That's that, you guys. मैंने इसको ना Instagram पे भी डाला था जो मैंने लिया था, एंड अ लॉट ऑफ यू आस्किंग मी कि वो बैग तो दिखाओ जो आपने खरीदा था, क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं किया था कि वो कौन सा बैग मैंने एग्जैक्टली लिया है। सो हियर इट इज, दिस वॉज द बैग दैट आई गॉट फ्रॉम माइकल कॉर्स, एंड दीज आर ऑल द आइटम्स दैट आई हैव बीन शॉपिंग लास्ट दो महीने से फॉर माई इंडिया ट्रिप, एंड अब मैं चाहती हूँ ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी तो प्लीज़ एक थम्स अप देना, मेरे टूटे हुए हाथ के साथ भी मैंने ये वीडियो बना ली है, तो प्लीज़ उस एफर्ट के लिए थम्स अप दे देना, एंड कॉमेंट करके बताना आपको मेरा बैग कैसा लगा। एंड अब मैं जा रही हूँ थोड़ी और शॉपिंग करने, लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने, एंड या आई विल शेयर एवरीथिंग दैट आई बाय टुडे in some of the vlogs, so stay tuned for that, and I hope you all have a lovely day, take care of yourself and of your loved ones. I'll see you the next time, bye.